नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आज का मेरा वीडियो उन छात्रों के लिए है जो CITS 2021 में अपना फॉर्म भरे हैं एडमिशन के लिए और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे या फिर उसका वेट कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है। बहुत सारे बच्चों को ये अपडेट मिल गई होगी। फिलहाल कल मैं था विजी, था कहीं आउट ऑफ स्टेशन था, अपने घर से बाहर था, इसलिए मैं ये अपडेट नहीं दे पाया। बहुत सारे छात्रों ने मुझे जो व्हाट्सअप पर भेजा था तो मैंने उनको अपडेट दे दिया था। तो क्या है अपडेट, CI आप लोग यहां पर देख सकते हैं, बहुत सारे छात्र हैं जिनके पास जो है CITS कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जो है उसका रिजेक्ट कर दिया है, मतलब CITS का जो फॉर्म है उनका रिजेक्ट हो गया है। तो कौन ऐसे कैंडिडेट है जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, और फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो उनकी क्या फीस जो चली गई उसका क्या होना है, और साथ में ही आप लोग आगे क्या कर सकते हैं कि आपका जो है इसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं कि जो बच्चे जिनका रिजेक्ट हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म वो कैसे आगे की उनकी क्या रणनीति रहेगी, तो यही वीडियो में बताऊंगा मैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी छात्रों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ उन्हीं छात्रों का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है जो अपियरिंग में है। तो अपियरिंग वाले छात्र जितने भी अपियरिंग के हैं, चाहे वो ITI अपियरिंग हो, चाहे वो डिप्लोमा अपियरिंग हो, चाहे वो टेक अपियरिंग हो, तो जितने भी अपियरिंग छात्र हैं सिर्फ उन्हीं का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुआ है। आप लोगों के पास मेल आया होगा, यहाँ पर देख सकते हैं मेल का जो टाइटल होगा CITS रजिस्ट्रेशन योर कैंडिडेचर हैज़ बीन रिजेक्टेड, मतलब आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है। फिर नीचे एक मेल में लिखा है कि डियर एप्लीकेंट, सिंस अपियरिंग कैंडिडेट ऑफ ITI डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाइंग टूवर्ड CITS कोर्स, योर कैंडिडेट डेचर हैज़ बीन रिजेक्टेड। इसमें लिख के आ रहा है कि आप जो भी कैंडिडेट हैं कि इनने बताया कि जो ITI डिप्लोमा और डिग्री के जितने भी अपियरिंग कैंडिडेट हैं वो अप्लाई नहीं एलिजिबल या अप्लाई नहीं कर सकते हैं CITS कोर्स के लिए, इसलिए उनका जो कैंडिडेचर है मतलब फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। और साथ में ही बताया कि आपकी जो फीस है एप्लीकेशन फीस जो भी 500 रुपये है 300 रुपये है वो 10 दिन के भीतर आपको जो है रिफ़ंड कर दी जाएगी। और जो डू नॉट रिप्लाई दिस मेल, मतलब इस मेल का आप लोग रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस पर कोई भी आपका रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, और DGT की टीम के द्वारा ये मेल जो है वो किया गया है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि जितने अपियरिंग के छात्र हैं सिर्फ उन्हीं का ये फॉर्म है रिजेक्ट किया गया है, उनको एलिजिबल नहीं माना जा रहा है, जबकि पिछली बार इन छात्रों को एलिजिबल माना गया था और ये CITS में अभी CITS कर भी रहे हैं। तो ये आप लोगों के साथ फिलहाल इन लोगों ने गलत तो किया ही है, बहुत ज़्यादा गलत किया है, क्योंकि एक तो पिछले साल इन लोगों ने अपियरिंग वालों को लिया था, तो एक तो पॉइंट ये है कि पिछली साल तो आपने सेशन 2020-21 के लिए एलिजिबल किया था, तो सेशन 2021-22 के लिए आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आपने 2021 का प्रोस्पेक्टस निकाला था तो उसमें आपने CITS अपेयरिंग का लिए फॉर्म भरवाए थे, तो अब रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, तो ये तो स्टूडेंट के साथ धोखा हो गया और जो है आप लोगों के फ्यूचर के साथ एक साल का खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये जो है मेरे समझ से बाहर है, इसके लिए ये गलत आप लोगों के साथ हुआ है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप इसको ट्विटर पर ट्वीट कर सकते हैं, और DGT का ट्विटर आप लोग ढूंढ लीजिएगा, DGT का टीम या फिर निमी का टीम, और आप जो है वो दूसरा है कि आप मेल कर सकते हैं, मेल ID आपको पता ही होगी nimionlineadmission@gmail.com, तो इस पर आप लोग मेल करिए कि मेल में यही आप लोग लिख लीजिएगा कि सेशन 2020-21 के लिए आप लोगों ने एलिजिबल किया था अपेयरिंग वालों के लिए, अपेयरिंग ITI अपेयरिंग डिप्लोमा अपेयरिंग इंजीनियरिंग के लिए, और वो लोग CITS कर रहे हैं, तो इस बार भी आपने 2021 के प्रोस्पेक्टस में हम लोगों को एलिजिबल किया था, तो अब आप एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कैसे कर रहे हैं, जबकि हम पूरी तैयारी कर चुके हैं और फॉर्म भी भर चुके हैं, फीस भी दे चुके हैं, पूरी तैयारी भी कर चुके हैं, तो अब ये जो है इस टाइप का आप लोग क्यों कदम उठा रहे हैं। तो ऐसे करके एक आप मेल लिख लीजिए, और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग
कमेंट करेंगे कि सर आप इसके लिए एक मैटर बनाइए, जिससे कि हम लोग सेम मैटर जो है DGT को या NIMI को मेल करें और साथ में उस पर एक वीडियो बनाइए। तो आप लोग कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं आपके हेल्प के लिए हमेशा खड़ा हूँ। और आपके जो ये गलत हुआ है इसके खिलाफ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ जो अपियरिंग वाले बच्चे हैं, सिर्फ वही नहीं, जो बच्चे पास आउट भी हैं वो भी इनके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों में जो एकता रहेगी, जितनी ज़्यादा लोग क्वांटिटी में मेल करेंगे उतना ही आप लोगों के चांसेस ज़्यादा हैं कि अपियरिंग वालों को लिया जाए। तो जो बच्चे अपियरिंग के नहीं हैं, पास आउट हुए हैं, जिनके अप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुए हैं, वो भी मेल करें कि अपियरिंग वाले छात्रों को भी लिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेल जाएँ और DGT पे या NIMI पे प्रेशर पड़े और वो लोग इसको एक्सेप्ट करें। पिछली बार जब आप लोगों ने CITS अपियरिंग वालों को लिया था, इस बार भी प्रॉस्पेक्टस में आप लोगों ने दिया है कि अपियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर अब फॉर्म को क्यों रिजेक्ट किया है? ये मेरे सोच से बाहर है और ये पूर्णतः गलत है। तो आप लोग इसके लिए मेल करिए और आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका एक कंटेंट बताऊंगा, आप लोग कैसे मेल कर रहे हैं ये सब भी बताऊंगा, आप लोग कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं आगे उस पर एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आप ये समझ गए होंगे सिर्फ अपियरिंग वाले छात्रों का ही फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और उनकी फ़ीस 10 दिन के अंदर उनको वापस कर दी जाएगी। ये सबके पास जो अपियरिंग के छात्र हैं उनके पास मेल भी आया होगा और साथ में मैसेज भी आया होगा। तो आशा करते हैं कि अब आपके आगे की कार्रवाई जो है वो मेल की और ट्विटर की रहेगी। तो आप मेल और ट्वीट कर सकते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से, जिसमें आप लोगों को कंटेंट बता दूंगा कि क्या आपको मेल करना है, क्या ट्वीट करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अच्छी जानकारी आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।